MacBook Air M1। तो फाइनली मैंने अपने लिए MacBook खरीद लिया। तो इस लैपटॉप को लेने के पीछे दो रीजन था। सबसे पहला रीजन ये है कि मेरे पास कोई भी पीसी या लैपटॉप नहीं था। इसके पहले मेरे पास एक पीसी था, इनफैक्ट वो पीसी अभी भी है, बट वो यहाँ नहीं है, वो कोलकाता में है। और पिछले 2 से 4 महीने से मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहा हूँ। लाइक पहले मैं 2 महीने मुंबई में था, अभी मैं 2 महीने से बैंगलोर में हूँ। तो इस तरह से उस पीसी को लेकर के जगह जगह ट्रेवल ऑब्वियसली नहीं कर सकते। और वो पीसी भी मैंने उस टाइम पे बनाया था जब मैं कॉलेज में था, और मेरे को उतना ज्यादा आइडिया भी नहीं था कि क्या पता कभी घर से बाहर निकलना पड़ जाए। तो इसीलिए मैंने काफी ज्यादा पैसा लगा करके एक पीसी सेटअप करवा लिया था रेदर देन लैपटॉप लेने के, जो कि अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है। और इस मैकबुक को लेने से पहले ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई भी लैपटॉप नहीं था, मेरे पास ये वाला लैपटॉप था। और ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा खराब है, लाइक बेस्ट, अगर खराब में सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो वो ये है। बट कोई बात नहीं, फाइनली अब हमारे पास एक मैकबुक है। और अब तुम लोग ये भी सोच रहे हो कि मैंने मैकबुक M2 चिप क्यों नहीं लिया, M1 चिप क्यों लिया, पैसे नहीं थे। तो फटाफट से ऐसा करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहला बात, ये यहाँ से खुला हुआ है क्योंकि Amazon वालों ने इसका ओपन बॉक्स डिलीवरी करवा दिया था फोर्सफुली। तो खैर इसको खोलते हैं। यहाँ पे ये अपना मैकबुक एयर अंदर में रखा हुआ है, और ये जो लिड है इसको अगर हम लोग यहाँ से ऐसे पुल करते हैं तो ये ऐसे बाहर निकल के आता है मैकबुक, है ना, आया ना, आया। सो ये रहा अपना मैकबुक, ये बॉक्स अपना किसी काम का नहीं है। तो इसके नीचे जो पुल टैब होता है वो भी खुला हुआ है क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी, थैंक यू सो मच अमेजोन पूरा एस्थेटिक्स का। तो ये अपना बॉक्स, ये रहा अपना मैकबुक। ओ काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी ज्यादा, लाइक ये जो है, ये जो चीज है, ये क्यों है भाई, ये क्यों बना रहे हैं लोग इसको, ये मतलब कंपैरिजन ही नहीं है लाइट वेट का, इतना ज्यादा क्रेजी। ओ हो हो, इसके अपार्ट बॉक्स में यहाँ पे ये है अपना मैनुअल वगैरह, इसमें एप्पल स्टिकर रहता है, एप्पल स्टिकर। ओ कलर देखो भाई, कलर देखो एप्पल स्टिकर का। और फिर वही अपना चार्जर और केबल है, चार्जर है 30 वॉट का चार्जर है। ओके तो अब सीधा आते हैं मैकबुक के ऊपर। तो ये इसको यहाँ से खोलते हैं फिर। तो ये रहा अपना MacBook Air M1, और इसमें अभी क्या क्या करने को बोल रहे सेटिंग वेटिंग, तो ये सब सेटिंग्स वगैरह सब चीज करके उसके बाद मिलते हैं। ओके सो MacBook को मैंने पूरी तरह सेटअप कर दिया और ये रेडी है अब यूज करने के लिए। जब मैंने इसको शुरू में चालू किया था तो कुछ टाइम बाद इसने एक सॉफ्टवेयर अपडेट मांगा था सोनोमा का, और वो अपडेट भी मैंने मार दिया इस पे। तो ये है भाई अपना MacBook Air, काफ़ी ज़्यादा हल्का, काफ़ी ज़्यादा स्लीक और क्रेजी एक्सपीरियंस अभी तक। तो भाई चलाने में जो मज़ा आया, इसका जो टच पैड है ये एक्चुअली में क्लिक नहीं होता है, इसमें एक वाइब्रेटिंग इंजन है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मालूम नहीं। तो जब भी तुम इसको ऐसे टैप करोगे तो तुमको लगेगा कि वो क्लिक हो रहा है, बट एक्चुअली में वो क्लिक नहीं हो रहा है। और इसका कीबोर्ड, अरे ओके, तो अब आ जाते हैं दूसरा रीजन कि मैंने क्यों मैकबुक खरीदा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक आईफोन है, मेरे पास यहाँ आईपैड है, मेरे पास एयरपॉड्स हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। लैपटॉप मेरे को एक लेना ही था, रेदर देन एक विंडोज लैपटॉप लेकर के फिर से वही एक्सपीरियंस जो मैं पिछले इतने सालों से, बचपन से, इनफैक्ट स्कूल में भी हम लोगों को जो कंप्यूटर सिखाया जाता है वो विंडोज पे ही सिखाया जाता है। तो मैंने सोचा कि यार इतना साल विंडोज़ यूज़ करने के बाद क्यों ना अब थोड़ा सा
मैकबुक एयर यूज किया जाए। मन तो प्रो लेने का था बट पैसे नहीं थे, बट हाँ एक दिन प्रो भी खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई रिव्यू वीडियो भी नहीं है या कोई टेक वीडियो नहीं है, ये एक सिंपल सा एक ब्लॉग है जो मैंने यार अपने चैनल पर डाल दिया क्योंकि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक मैकबुक खरीदा था और अभी इसको कुछ टाइम तक चलाना पड़ेगा, कुछ टाइम तक समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे क्या चीज़ सारे होते हैं। उसके बाद जा करके मैं भी कोई एक लॉन्ग टर्म या शायद कुछ 1 मंथ या 3 मंथ्स मैकबुक एयर रिव्यू मैं अपने इस चैनल पर डाल दूंगा। तो बस यार आज के इस मैकबुक अनबॉक्सिंग व्लॉग में इतना ही। अब वीडियो पसंद आएगा तो इसको एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी तक चैनल पर 0 सब्सक्राइबर्स हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।